कुशीनगर में नारायण नदी उफान पर है, कभी भी टूट सकता है नदी का बांध। कटान को देखते हुए प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट, आसपास के गांव के लोगों को खाली करने के दिए आदेश, दर्जन भर गांव के लोग कर रहे हैं पलायन। विजयपुर जिले के कलहोरा तालुक के गांव में मनाया जाने वाला मुहर्रम त्यौहार एक अलग ही तालुक में मनाया जाता है। इस गांव में मुहर्रम देवी के तुलना में डोली अधिक महत्वपूर्ण है। ग्रामीणों ने एक साल के लिए नई डोली बनाने का फैसला किया है। यहां से गांव में बढ़ती बीमारियों को देखते हुए पूरा गांव दहल जाता है। इस गांव में 5% मुस्लिम परिवार हैं और शेष 95% हिंदू हैं। यह एक ऐसा त्यौहार है जहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और विभिन्न परंपराओं से रिवाजों को मनाते हैं। आज सुबह भव्य कलश यात्रा के साथ ही श्रीमद् भागवत कथा का आगाज हो गया। शोभा यात्रा चौराहे से होते हुए माहेश्वरी धर्मशाला कथा स्थल पहुंची। कलश यात्रा के साथ ही पोथी पूजन हुआ। 108 महिला भव्य कलश यात्रा में शामिल हुई। उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में प्राथमिक विद्यालय मिश्रोली शिक्षा क्षेत्र के दुबर के प्रधानाध्यापक द्वारा बच्चों के साथ भेदभाव और इस विद्यालय में न शौचालय है न ही किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं हैं। यहाँ के विद्यालय पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। विद्यालय में बच्चों का भोजन सही से नहीं मिलता है। मानक अनुरूप जो देने का प्रावधान है वो नहीं दिया जाता है। मिश्रोली के प्राथमिकता विद्यालय का मामला है जो अभी आपको संज्ञान में दिया गया है, इस मामले पर क्या कार्रवाई होगी सर? इसमें अभी मैं आप द्वारा सारी चीज़ें बताई गई, वो वीडियो भी दिखाया गया है और आपके सामने ही मैं स्टूडेंटों को बुला करके निर्देश दे दिया हूँ, क्योंकि वो जो बिल्डिंग दिखा रहे हैं 2003 का है, रोशन डिजाइन मॉडल, वो पूरे प्रदेश स्तर से जर्जर घोषित कर दिया गया और प्रदेश स्तर से ये हिदायत दी गई है उस विद्यालय में पठन पाठन और न कराया गया। वैकल्पिक यदि व्यवस्था नहीं है तो विशेष सावधानी से कराया जाए तो वो हम लोग करा रहे हैं। और बाकी जहाँ तक और निर्माण की और निर्माण की बात है एकल कक्ष की और जो MDM में दिक्कत है उस संबंध में अभी संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित दे दिए, पत्र के माध्यम से निर्देशित कर दिया गया कि तुरंत 3 दिन के अंदर विद्यालय की जाँच करके और आख्या प्रस्तुत करें ताकि दोषी के खिलाफ कार्रवाई किया जा सके। वहाँ तो यहाँ शौचालय की कमियाँ है, बिजली नहीं है, इस चीज़ वो विद्युतीकरण के लिए विभाग से लगभग 100% विद्यालयों को धनराशि भेजी जा चुकी है और यदि वहाँ वायरिंग नहीं हुई है, कनेक्शन के लिए तो नहीं कर सकता लेकिन वायरिंग नहीं हुई है तो प्रधानाध्यापक दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम राहुल मिश्रा है और मैं ग्राम मिश्रोली का रहने वाला हूँ। क्या मामला है? मामला ये है कि विद्यालय प्रबंधन समिति जो हर प्राथमिक विद्यालय पर जो कमेटी बनती है स्कूल के विद्यालय के रख रखाव के लिए, इसमें हमारे गांव में बहुत घोर अनियमितताएं हुई हैं। बिल्कुल ही फर्जी तरीके से जो 24 सितंबर 2018 को यह कह दिया गया कि इस खुली बैठक में जो एक प्रावधान है कि उस समिति का गठन खुली बैठक में होगा, 11 लोग सदस्य उसमें निर्वाचित होंगे, लेकिन कोई खुली बैठक नहीं हुआ और फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिया गया और यह बता दिया गया कि मीटिंग हुआ है और उस पर मात्र 7 लोगों का ही सिग्नेचर है। और तो और सबसे अजीबोगरीब स्थिति है कि उस लेटर पे या उस पैड पे माननीय नोडल अधिकारी महोदय ने तो 24 सितंबर 2019 को अभिलेख किया है कि यह मीटिंग 24 सितंबर 2019 को हुआ था। और सबसे बड़ी बात कि इसमें जो भी कंपोजिट ग्रांट जैसे हैं, स्वच्छता जैसी विषय हैं, बच्चों के मिड डे मील में हैं, उसमें घोर अनियमितताएं हैं। मेरे सक्रिय होने के बाद मिड डे मील में तो सुधार हुआ है लेकिन कम से कम 50,000 रुपये का गबन हुआ है। तो मैं इसके भी खिलाफ मैं चाहता हूं कि उक्त प्रधानाध्यापक के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो और उनको तत्काल उनके पद से आपने इस पर BSS शिकायत की आपने? मैंने STI महोदय को भी इसका एप्लीकेशन लिखित तौर पर दिया है जिसका मुझे जवाब भी मिला है और इस जवाब से मैं पूरी तरीके से असहमत हूँ और इस मामले को मैं जिलाधिकारी महोदय और मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँचाना चाहता हूँ। खबरों में बात करते हैं आगरा के, जहां पर आगरा किले में देश विदेश से छोटे बच्चों के साथ इस मार्ग आने वाली महिलाओं के लिए SI द्वारा एक बेबी फ्रेंडिंग रूम का निर्माण कराया गया जिसका उद्घाटन आगरा के भाजपा सांसद प्रोफेसर SP सिंह बघेल की पत्नी मधु बघेल ने किया। भाजपा सांसद SP सिंह बघेल ने बताया कि बेबी फ्रेंडिंग रूम बनाने के लिए मैं SI का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
शुभारंभ किया है, लाल किले में क्या कहना है? मैं एसआई का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक बड़ी छोटी बात है लेकिन जो महिलाओं की स्वच्छता और स्वच्छता और प्राइवेसी से जुड़ी हुई है उसका उन्होंने ख्याल रखा है। छोटे बच्चों को धूम्रपान कराने के लिए सार्वजनिक स्थल पर चलाना संभव नहीं होता था और चूँकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग भी है कि किसी बिल्डिंग के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती, इसलिए यथास्थिति को बनाए रखते हुए जो भी उपलब्ध है वहाँ पर उन्होंने एक कक्ष का, बल्कि दो कक्ष हैं और उसमें इंटीरियर बहुत अच्छा है। तो माँ के बैठने के लिए चार पांच माँ एक साथ आ सकती हैं, बच्चों को बैठने के लिए, बदलाव चेंज करने के लिए और धूम्रपान के साथ साथ अगर कोई दवाई देनी है, रेस्ट करना है, उनके कपड़े बदलने हैं, अगर उन्होंने कोई लेटरिन या वॉशरूम का रखा है तो उसके लिए भी यहाँ पर इंतजाम किया गया। मैं एएसआई का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि पहले ताजमहल ने जो किया था उसकी बहुत विश्व में सराहना हुई है, आज लाल किले में भी इस प्रकार का प्रयोग किया है क्योंकि माँ की स्वच्छता और निजता और प्राइवेसी का ध्यान रखा गया है और ये बहुत जरूरी है। और छोटे बच्चे जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं कर सकते हैं तो उसका ये मतलब थोड़े ना कि उनका हम ख्याल नहीं रखेंगे, तो जो बच्चे बोल नहीं सकते उनका भी हमको ध्यान। ग्वालियर में आज भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। यहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की स्वर्गीय माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर हमारे पार्टी के, इस देश के वरिष्ठ नेता हैं और साथ ही हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं। उनकी माताजी का स्वर्गवास हुआ है तो अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए मैं यहाँ पर आया था और मैंने अपनी संवेदना व्यक्त की। मैंने डीआरडीए लैब मैंने बहुत ही अच्छा काम कर रही है, बहुत ही सराहनीय काम कर रही है। मैंने तेजस का अनुभव मेरा बहुत ही शानदार अनुभव रहा। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश के चाहे वैज्ञानिक हों अथवा हमारे देश के सेना के जवान हों, अपने भारत देश को पूरी तरह से सुरक्षित और चाक चौबंद रखने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जनपद बहराइच के फकरपुर थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत रामपुर की धोली में महिला के करंट लगने से हुई दर्दनाक मौत। मृतक ने अपने घर में पंखे को चलाने के लिए जैसे ही बोर्ड का बटन दबाया कि कुसुम को करंट लगने से तुरंत मौके पर ही दर्दनाक मौत हो। हमारे सामने ये हैं रामापुर किन्होली के प्रधान जी। जी प्रधान जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रदेश कुमार शुक्ला। जी प्रधान जी, क्या हुआ है, कैसे कौन सा मैटर, कैसे क्या हुआ? ऐसा हुआ है, ननिहाल गई थी, अभी ननिहाल से आई है जी, और इसके जो मेहमान साथ में आए थे जी, तो बत्ती थी तो इसने सोचा कि पंखा लगा दें जी। पंखा लगाने लगी तो लड़का प्लग लगा रहा था, ये पंखा पकड़ी थी जी। इसकी वजह जैसे बटन भी नहीं दबा था जी और तुरंत पंखा पकड़ी, ये तुरंत करंट लग गया। ये तो लाइट के करंट लगने से इनका ये हादसा हुआ। हाँ, ये मृत्यु हुई है। हाँ, करंट लगने से हुई जी। क्या नाम है आपका? बाबा दीन जी, ये जो हादसा हुआ है आपके यहाँ, ये आपकी कौन है? ये आपकी औरत। ये कैसे हुआ, क्या हुआ? ये नैहर गए रहे, वहाँ से दो तीन लोग पठवे आए रहे जी जी, और नातेदार जब बैठ गए तो उनका पंखा लगावे लगे जी, पंखा इसे पकड़े रहा है, एक लड़का पिलक लगावत रहा जी, और पिलक लगाए और बटन उड़ाए दाबी से है और पता नहीं किस तरीके से वो धराम दी गिर गए, अति जो करंट मारे से जब गिर गए तो दौड़ कहाँ हवा आ जाए कहाँ। तो ये जो हादसा हुआ है बिजली के करंट लगने से हुआ है? हाँ, बिजली के करंट से जी। खबरों में बात करते हैं जयपुर की, जहां पर रामबाग सर्किल स्थित एक रेस्टोरेंट में सुबह अचानक आग लग गई। आग की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने बड़ी मुशक्कत के बाद इसी दौरान वहां रखे गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। सीएम योगी ने बाढ़ शिविर में रह रहे लोगों को वितरित की राहत की सामग्री दी। सीएम योगी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये आपदा है, इस आपदा में राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन ने सभी व्यवस्थाएं कर दी हैं, पर्याप्त मात्रा में धनराशि हर बाढ़ प्रभावित जिले को मुहैया करा दी गई है।
बाढ़ से बचाव के सभी इंतजाम पहले ही कर लिए गए हैं। के लिए प्रशासन ने यहाँ पर पीड़ित व्यक्ति यद्यपि पूरे बरसात भर प्रदेश के अंदर कहीं भी बाढ़ की समस्या नहीं थी, क्योंकि हम लोगों ने इस समय में थे बाढ़ बचाव के सारे उपाय कर लिए थे। अंतिम क्षणों में राजस्थान में चंबल में चंबल नदी पर और मध्य प्रदेश में बेतवा और केन से भारी मात्रा में जलराशि छोड़े जाने के कारण यमुना जी में काफ़ी बड़ी मात्रा में जल आया है। उसके कारण प्रयागराज उत्तर में इधर आगे हम जाते हैं तो इटावा भी है, हमीरपुर के कुछ क्षेत्र हैं, कोई जो है यथा औरैया का कुछ क्षेत्र है, ठीक है ना, और इधर फिर वाराणसी गाजीपुर बलिया निचले इलाकों में पानी घुसा, काफ़ी बड़ी आबादी प्रदेश के अंदर, लगभग मेरा अनुमान है कि 1 लाख तक की आबादी सभी प्रभावित क्षेत्रों में नौकाएं लगाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने, सुरक्षा के दृष्टि से निरंतर पेट्रोलिंग करने, जिन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है उनके लिए शुद्ध भोजन और पेयजल की व्यवस्था के साथ ही अन्य पीड़ित परिवारों को भी पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने, जिसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, दाल, तेल, नमक, लाई और अन्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी ग्रामीण क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में की जा रही है। दवा आदि की व्यवस्था के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। जनहानि या किसी प्रकार की धनहानि पर 24 घंटे के अंदर राहत सामग्री और मुआवजा की राशि पीड़ित परिवारों तक पहुंचना चाहिए, स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। आज मैं इसीलिए प्रयागराज, वाराणसी और गाजीपुर के जल भराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए स्वयं निकला हूं। मैं यहां पे पीड़ितों से मुलाकात किया, मुझको को राहत सामग्री वितरित की गई है और मुझे लगता है कि आज समय काल से जल स्तर में गिरावट आनी प्रारंभ होगी और 1-2 दिन के अंदर काफ़ी राहत मिलेगी। मुझे विश्वास है कि जो ये अंतिम समय में निचले इलाकों में पानी भरा है, 2-3 दिन के अंदर लोगों को इससे काफ़ी राहत मिलेगी।